Hello everyone, what's up? My name is Rekha Mishra and welcome back to my channel. तो आज की इस वीडियो को हम शॉर्ट एंड स्वीट रखने वाले हैं। तो आज मैं आपको एक सैटिन साड़ी ड्रेप करना सिखाने वाली हूँ। ये थोड़े डिफरेंट वे में है, मैं टिपिकल ड्रेपिंग नहीं बता रही हूँ एंड थोड़ा इनोवेटिव सा है। थोड़ा हम स्कर्ट बनाएंगे, एक ड्रेप करेंगे, बहुत कूल है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ये जो टॉप मैंने वियर किया है ये भी मैंने आपको हॉल में दिखा चुकी हूँ। इसका लिंक भी अगर मुझे मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड वो सैटिन साड़ी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मैंने अभी रिसेंट परचेज की है, क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है। सो चलिए फिर हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई विल स्टार्ट विद दिस ड्रेप। इस ड्रेप में ये जो सैटिन साड़ी है इसे हम पीछे से टक करेंगे। यूजली हम साड़ी जब पहनते हैं तो टक हम सामने से करना स्टार्ट करते हैं, पर इस ड्रेप में जो टक होना स्टार्ट होगा वो पीछे से होगा और इसे एक राउंड से हम सामने की तरफ टक कर लेंगे। अब आप फैब्रिक लीजिए और पीछे की तरफ मिडल में जाके नाप लीजिए। उसके बाद आपको प्लीट करना है। जैसे आप नॉर्मली साड़ी पहनते हैं और सामने की तरफ प्लीटिंग करते हैं वैसे ही प्लीट आपको करना है, बस टक उसको पीछे करना है। एक चीज़ और, हमें पूरा एंटायर फैब्रिक जो है उसे नहीं प्लीट करना है, हमें आंचल के लिए पोर्शन छोड़ना है। तो मैंने आंचल के लिए पोर्शन छोड़ दिया है। अब इसे मैं सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लूँगी और सिक्योर करने के बाद इसे पीछे जाके मैं टक कर दूँगी परफेक्टली। तो टक करने के बाद अब हम बनाएंगे आंचल। तो आंचल भी वैसे ही प्लीटिंग करनी है, छोटे प्लीट्स लीजिएगा जिससे जो साइड के लेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे आएंगे। अगर आप ब्रॉड प्लीट लेंगे तो साइड में लेयर्स इतने प्रॉपर नहीं दिख पाते हैं, इसलिए आप छोटा छोटा प्लीट्स लीजिए। एंड ये सैटिन साड़ी ज़्यादा पोजिशन पर नहीं रहती, इसलिए आपको हर थोड़े देर में प्लीट करके उसे सेफ्टी पिन से सिक्योर करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर मैं कर रही हूँ। तो आपको जितना भी आंचल चाहिए, जितना भी लेंथ चाहिए उसका, आप इसी तरह से प्लीट करें, सेफ्टी पिन से सिक्योर करें एंड देन शोल्डर पे आप पिन अप कर लें। तो सामने के प्लीट्स को भी थोड़ा सा मैं गैदर करके अरेंज करके पिन कर ली हूँ, जिससे सामने का भी जो लुक है वो थोड़ा सा अच्छा है। एंड वी आर डन, ये साड़ी रेडी हो गई है। आप देख सकते हो लेयर्स कितने अच्छे आए हैं और ये पूरा 360 व्यू है साड़ी का, काफ़ी अच्छा आया है और आप कहीं भी ईजिली इसे पहन सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं ये स्टाइल ड्रेप करने वाली हूँ। तो इसमें आपको ये इलास्टिक मटेरियल चाहिए जिसे आपको अपने वेस्ट में टाइटली फिट करना है एंड देन आप अपनी साड़ी का एक कॉर्नर लीजिए और उसे प्लीट करना स्टार्ट करिए। प्लीटिंग छोटी होगी, छोटे छोटे प्लीट्स आपको बनाने हैं एंड इस प्लीट्स को आपको फिर स्प्रेड करना है और आप चाहें तो इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लें जिससे ये अपने पोजीशन पर ही रहे। तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ, सेफ्टी पिन से मैंने सिक्योर किया है एंड देन एप्रोप्रिएट लेंथ, फ्लोर टच लेंथ के बाद, जितना भी आपको लेंथ चाहिए उतना लेंथ के बाद हम टक इन कर लिए हैं। एंड देन सेम टाइप से मैं आगे फिर प्लीट करूँगी। जैसा आप देख रहे हैं मैंने फिर थोड़ा सा फैब्रिक लिया है और फिर प्लीटिंग चालू कर दी है मैंने, वैसे ही छोटे छोटे प्लीट इसको स्प्रेड करना है। एंड अगर आप चाहें तो सेफ्टी पिन से सिक्योर करिए एंड इसे फिर आप टक इन कर लीजिए और लेंथ पहले टक इन की और अभी जो आप कर रहे हैं सेम होनी चाहिए। मतलब ये सब आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो प्लीटिंग कर रहे हैं आप वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और जो टक कर रहे हैं उसका लेंथ सेम होना चाहिए। तो इसी तरह से मैं आगे भी प्लीट करूँगी। एंड देन मैं अपने ये इलास्टिक मटेरियल को थोड़ा सा दूसरी तरफ टर्न करूँगी क्योंकि हमें पूरा एंटायर प्लीट नहीं करना है, तो इसे मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जा रही हूँ। इसी तरह से रोटेट कर करके आप प्लीटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं पीछे की तरफ भी अपना फैब्रिक थोड़ा स्प्रेड कर ले रही हूँ और यहीं तक प्लीटिंग करनी है। जितना आपने अभी पीछे देखा वहीं तक जाके रुक जाना है, हमें पूरा कवर नहीं करना, बस सामने के कुछ पोर्शन तक कवर करना है। तो ये मेरी लास्ट प्लीट है, मैंने एंटायर साड़ी प्लीट कर ली एंड देन मैं इसे टक इन कर ली हूँ और अब मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ। अब मैं साड़ी का कॉर्नर लूँगी और दोनों के मिडिल में, मिडिल तक ही लाना है मुझे। फिर मैंने पूरा फैब्रिक प्लीट करना है, इसे आप चाहें तो फैब्रिक को सिक्योर कर सकते हैं सेफ्टी पिन से एंड देन टक इन कर लीजिए। यहाँ भी ऊपर टक इन कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए सब। और इसी तरह से प्लीटिंग मुझे पीछे भी करना है,
तो यहाँ पे भी मैंने प्लीट कर लिया है सेम वैसे ही जैसे सामने किया था अभी, और इसे भी मुझे सेम यही मिडल पे बगल में ला के टक कर लेना है। अब जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे हमें पिन से सिक्योर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लेग शो ना हो तो आप पूरा पिन कर लीजिए, मैं इतना ही पिन करूँगी। और इस तरह से ये स्कर्ट रेडी हो जाता है। ये भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा, अगर आपको पसंद आया तो आप ये भी ड्रेप कर सकते हैं। सो लास्टली मैं ये ड्रेप करने वाली हूँ, तो इसके लिए आपको अपनी साड़ी के दोनों कॉर्नर्स लेने हैं एंड उसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देना है। और यही प्रोसेस आपको एंटायर साड़ी के साथ करना है। जब आप पिन कर देंगे तो आपकी साड़ी कुछ इस तरह से दिखेगी। तो नेक्स्ट हम एक कॉर्नर लेंगे, जिस साइड आपने पिन किया है उसी साइड से हम ले रहे हैं एंड इसे छोटे छोटे प्लीट्स यहाँ पे बनाएंगे हम। एंड जैसे हमने पिछला ड्रेपिंग किया था उस तरह से ही करना है। तो हमने यहाँ पे प्लीट कर ली है, प्लीट करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा स्प्रेड करूँगी। एंड जो इलास्टिक मटेरियल हमने वेस्ट में टाई अप किया था उसी में ही मैं इसे टक इन कर लूँगी स्प्रेड करने के बाद। और ये जो मैंने किया है यही पूरे एंटायर फैब्रिक के साथ रिपीट करना है। तो आप चाहें तो इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर करके भी टक इन कर सकते हैं, या फिर ऐसा टक इन कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। मैंने एक्चुअल में इलास्टिक को टाइटली अपने वेस्ट पे टाई अप किया है जिससे जो इलास्टिक है वो अपने पोजीशन पे रहे और जो भी मैं टक कर रही हूँ वो वहीं रहे। तो आप भी इस तरह से टक कर सकते हैं एंड इलास्टिक को रोटेट कर करके पूरा एंटायर वेस्ट प्लीट से कवर कर सकते हैं। तो हमने साड़ी को इस तरह से किया है जिससे पफ़ी स्कर्ट बने। हमें शॉर्ट स्कर्ट बनाना था वो भी पफ़ी, तो इस तरह से आप देख रहे हैं नीचे में पफ़ीनेस आ रही है। एंड रोटेट कर करके मैं पूरा वेस्ट कवर करूँगी। तो ये लास्ट पोर्शन है मेरी प्लीटिंग का, इसे भी वैसे ही प्लीट करना है नॉर्मल ढंग से, छोटे छोटे प्लीट्स में स्प्रेड करना है एंड देन टक इन कर लेना है। तो ये लास्ट प्लीट्स को मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर रही हूँ, ये अच्छे से स्प्रेड नहीं हुआ है, इसे प्रॉपरली मैं स्प्रेड कर रही हूँ। एंड स्प्रेड करने के बाद जो आपको कॉर्नर्स खुले दिख रहे हैं दोनों एंड साड़ी के, उसे हम सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो आप हर थोड़ी थोड़ी दूर में सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। एंड ये है पूरा स्कर्ट रेडी। आप देख सकते हो कितना पफी दिख रहा है स्कर्ट। आप आराम से ये क्रिएट कर सकते हो, पहन सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये एक साड़ी है। So that's it. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।